क्यों क्या हो रहा है, हम क्यों परेशान हो रहे हो? सात दिन तो मेरी बात मानते नहीं हो। अगर ऐसे करोगे तो मैं जा नहीं पाऊंगा। आप सबका हृदय बहुत निर्मल है। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि आप बस यूं ही जो सात दिन आपने कथा सुनी है उसको जीवन में धारण कीजिएगा, क्योंकि भगवान की कथा हम सब के लिए सबसे बड़ा अविलंब है जो हम सब का बेड़ा पार करती है। मेरे पास अधिक शब्द नहीं है समय, क्योंकि मुझे जाने की जल्दी है, पर भगवान आप सबका भला करे। फिर अगली बार आएंगे और फिर बड़ी से बड़ी संख्या में कथा सुनाकर आगे का। एक बात और, जो लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं या जो भी यूज़ करते हैं, वो हमारा नाम कहीं भी यूज़ करें, फेसबुक पे और ट्विटर पे, तो वहाँ पे आपको हमारे नाम से वो ऑथराइज जो हमारा अकाउंट है वो मिलेगा ब्लू टिक के साथ। आज ही आप उसे फॉलो करें, और मुझे पता चलना चाहिए कि भोपाल से कितने लोगों ने फॉलो किया, मैं आज जाके चेक करूँगा। एक बार जोर से बोलेंगे राधे। अभी ये महाराष्ट्री के सम्मान के लिए ये माल्यार्पण हो रही है, और मैं निवेदन करूंगा ज्यादा थोड़ा दूरी बना के रखें, थोड़ा सा दूरी बनाए, और मंच का भी कमजोर है, मैं निवेदन करूंगा सभी थोड़ा दूर हो जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सभी अब रास्ता छोड़ दें पूज्य महाराज श्री के लिए, सभी रास्ता छोड़े, जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हैं, सिक्योरिटी है, सभी रास्ता निकालें महाराज जी के लिए जाने के लिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब सभी प्रेमी भक्त अपने अपने घर के लिए